Dear students of class first, I am continuing my lecture on your chapter number 6, Road Safety of your EBS book. Now I am telling you about the traffic lights. ठीक है, आपने रोड सेफ्टी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बेटा. इस रोड सेफ्टी चैप्टर में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रोड पे आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. अब उसी को कंटिन्यू करते हुए, अब अगर आपको रोड सेफ्टी मेंटेन रखनी है अपनी, तो ट्रैफिक लाइट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ट्रैफिक लाइट भी इसी चीज़ को इंश्योर करती हैं. ठीक है, तो व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स? द ट्रैफिक लाइट्स आर फॉर द सेफ्टी ऑफ द ट्रैफिक. द कलर ऑफ द लाइट्स टेल्स अस व्हाट टू डू. तो ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो हमारे ट्रैफिक की सेफ्टी के लिए हैं. आपको बताया था ट्रैफिक क्या होता है, जो रोड के ऊपर व्हीकल्स चल रहे हैं. ठीक है, बस है, कार है, स्कूटर है, स्कूटी है, और कुछ पर्सन जो हैं वो पैदल भी जा रहे होते हैं, साइकिल पे भी जा रहे होते हैं. तो दे ऑल आर पार्ट ऑफ अ ट्रैफिक. तो ट्रैफिक की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक रूल्स तो हैं ही, साथ में ट्रैफिक लाइट्स हैं. ट्रैफिक लाइट्स आप देखते होंगे जब आप मम्मा पापा के साथ रोड पे जाते होंगे, तो पापा अपनी कार या स्कूटर जिस पे आप बैठ के जा रहे हो उसको रोक लेते हैं बीच बीच में, जब भी उसका इंडिकेशन होता है. किस तरह का इंडिकेशन, अभी आपको बताते हैं. तो द ट्रैफिक लाइट्स आर फॉर द सेफ्टी ऑफ द ट्रैफिक. कलर ऑफ द लाइट्स टेल्स अस व्हाट टू डू. जो लाइट का कलर दिखता है हमें, उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है. ठीक है, ट्रैफिक लाइट जो है आपकी सेफ्टी के लिए, सब लोगों की सेफ्टी के लिए हैं, और कलर ऑफ द लाइट ये बताता है कि हमें आगे क्या करना है. व्हेन लाइट्स टर्न्स रेड यू शुड स्टॉप. अगर लाइट रेड कलर की आए, जैसे आपको के स्लाइड के डायग्राम में दिखाया हुआ है, तीन लाइट्स आप देखते हो जब भी आप रोड पे जाते हो, तो आपको लाइट्स दिखाई देती हैं. ठीक है, वो लाइट्स आपको क्या इंडिकेट करती हैं? दीज आर ट्रैफिक लाइट्स. ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट्स में आप देखो डायग्राम के अंदर तीन लाइट्स दिखाई हुई हैं, रेड, येल्लो, ग्रीन. ठीक है, और क्रॉसिंग दिखाई हुई है. जब आपकी रेड कलर की लाइट आ जाए तो यू शुड स्टॉप, तो आपको वहाँ पर रुकना है, आगे नहीं बढ़ सकते आप. ठीक है, तो रेड कलर क्या इंडिकेट करना है, करता है कि हमें रुकना है, यू शुड स्टॉप. व्हेन इट टर्न्स येल्लो यू शुड वेट एंड गेट रेडी टू स्टॉप और गो. और अगर येल्लो कलर की लाइट आती है तो आपको वेट करना है, मतलब इंतज़ार करना चाहिए. ठीक है, यू शुड वेट एंड गेट रेडी टू स्टॉप और गो. चलने के लिए या रुकने के लिए आपको खुद को रेडी करना होगा. ठीक है, तो येलो कलर की लाइट के बाद रेड कलर की लाइट भी आ सकती है, येलो कलर की लाइट के बाद ग्रीन लाइट भी आ सकती है, तो आपको इंतज़ार करना है, यू शुड वेट. ठीक है, तो अगर येलो कलर की लाइट के बाद रेड कलर की लाइट आए तो स्टॉप ही रहना है, और अगर ग्रीन लाइट आ जाए तो यू शुड गो, आपको आगे बढ़ना होगा. मतलब येलो कलर की लाइट आपको कहती है कि इंतज़ार करो आगे के इंडिकेशन के लिए. व्हेन इट टर्न्स ग्रीन यू शुड गो. और अगर ग्रीन कलर की लाइट आए तो आपको आगे बढ़ना है, आपको फॉरवर्ड जाना है, यू शुड गो, आपको आगे जाना है. ठीक है, तो तीन तरह की लाइट है, जैसे आपको ट्रैफिक लाइट्स में दिखाया हुआ है, डायग्राम में दिखाया हुआ है, और आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे जब भी आप कहीं जाते हो तो मम्मा पापा के साथ. ठीक है, तो जब आपकी रेड कलर की लाइट आती है तो पापा कार या स्कूटर जिस पे आप लोग जा रहे हो वो स्टॉप कर देते हैं. येलो कलर की लाइट आती है तो हम इंतज़ार करते हैं आगे के इंडिकेशन के लिए, और ग्रीन कलर की लाइट आती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो आपका ये चैप्टर जो है बेटे ओवर हो गया है. ठीक है, आपके पास जो भी एक्सरसाइज वगैरह सेंड की जाए उसे आपने करके भेजना है, लेकिन रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है आपने, फिंगर रख रख के रीडिंग करनी है, मीनिंग को समझना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे व्हाट्सएप पे सेंड करना है. ठीक है, ओके.